हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, और जो स्टडी का टॉपिक मैंने लिया है वो है ब्रिटिश शासनकाल में जो औपनिवेशिक प्रशासन उनका था उसके अंतर्गत भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार की थी, उसकी के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो जैसा कि मैंने बताया, औपनिवेशिक प्रशासन जो ब्रिटिश काल में था उसके अंतर्गत भू राजस्व प्रणालियों को हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, अर्थात उसे वहाँ भू राजस्व व मालगुजारी वसूल करने का अधिकार मिल गया था। प्रारंभ में वह पुरानी व्यवस्था से ही कंपनी ने काम चलाया, किंतु दर आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। वह रकम जो 1722 ईस्वी में 1,42,90,000 थी वह 1764 में 1,81,80,000 तथा 1771 में बढ़कर 2,34,00,000 रुपए हो गई। सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग ने नीलामी व्यवस्था की। यद्यपि कंपनी की आय अस्थिर हो गई जबकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो इसकी वजह से ही उन्हें ये व्यवस्था देखनी पड़ी। जब उनके पास पैसों की कमी होने लगी तो उन्होंने जो राजस्व प्रणाली था उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो इस्तमरारी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नेट का आपका आया हुआ है। तो इस्तमरारी स्थाई बंदोबस्त देख लेते हैं। सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल एवं बिहार में स्थायी व्यवस्था लागू की। स्थायी व्यवस्था के तहत जमींदारों और मालगुजारी को भू स्वामी बना दिया गया। जमींदार लगान वसूली ही नहीं करते अपितु उनका स्वामित्व वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बना दिया गया था। मतलब एक बार एक परिवार में मिल गया तो वो वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता था। काश्तकार मात्र बटाईदार बनकर रह गए तथा वे जमीन पर अपने लंबे समय से चले आ रहे पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए। तो जो किसान थे यानी काश्तकार थे उनको जमींदारों के सहारे छोड़ दिया गया था, उनके अधिकार सीमित हो गए थे। जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता था उसका 10/11 भाग राज्य को देना पड़ता था, केवल 1/11 भाग वे अपने पास रखते थे। मालगुजारी की रकम हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। भू राजस्व की दर लगभग 60% थी। दो व्यवस्थाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। तो ये कहाँ लागू हुआ था इस पर प्रश्न बनता है। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। मालगुजारी निश्चित नहीं की गई अपितु प्रत्येक 20 या 30 वर्ष पर इसका पुनः निर्धारण होता था। रैयतवाड़ी के तहत भू राजस्व की दर 45-55 तक की गई थी, 45-55% तक थी। सरकार कभी भी मालगुजारी की दर बढ़ा सकती थी। साथ ही साथ अगर रैयत की फसल सूखा या बाढ़ से कम या पूरी नष्ट हो जाए तो भी उसे मालगुजारी देनी पड़ती थी। इसमें कृषकों को न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके बाद जो दूसरी व्यवस्था आती है वो आती है महलवाड़ी पद्धति, और ये कहाँ स्थापित हुआ, गंगा के दुआब
पश्चिमोत्तर प्रांत, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया, जिसे महलवाड़ी प्रथा कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महल होता था, तो महल के कारण ही इसका नाम महलवाड़ी रखा गया था। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित भूमि होती थी, जिसको भागीदारों का समूह कहते थे। पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से जानी जाने वाली एक संशोधित महलवाड़ी प्रथा लागू की गई। महलवाड़ी क्षेत्र में भी मालगुजारी का समय समय पर पुनर्निर्माण किया जाता था। विदेशी शासन का आर्थिक प्रभाव। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए और शासक बन जाने के बावजूद सदा ही व्यापारी के समान व्यवहार करते रहे। उन्होंने भारत के संपूर्ण आर्थिक संसाधनों का प्रयोग ब्रिटेन के व्यापार उद्योगपति और धनाढ्य वर्ग के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किया। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के कारण भारत अत्यंत निर्धन हो गया। अंग्रेजों की नीति ने भारत के परंपरागत जो आर्थिक ढांचा था को नष्ट कर दिया, पर आधुनिक साधनों के आधार पर नवीन आर्थिक ढांचा बनाने का अवसर नहीं दिया। अंग्रेजी शासन का भारत में निम्नलिखित क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो किन किन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और हानियां हुई वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला उद्योग था दस्तकारी और गृह उद्योग, जिसका अंग्रेजों की नीतियों की वजह से बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों के आने से शहरी हस्तशिल्प एवं ग्रामीण दस्तकारी उद्योग की बर्बादी आरंभ हो गई। उसकी शुरुआत बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत से हुई थी। उद्योग धंधों के पतन के कारण इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंदिता तथा अंग्रेजों द्वारा 1813 के बाद अपनाई जाने वाली एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति और अंग्रेजी लेखक D.H. बुकानन ने लिखा, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। तो ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, D.H. बुकनन ने ऐसा कहा था। सूत काटने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योग को सबसे अधिक धक्का लगा। बंगाल सूती और रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कंपनी ने यहाँ के दस्तकारों के शोषण के लिए निम्न उपाय किए। ब्रिटेन में भारत से आयात होने वाले माल पर अत्यधिक कर लगा दिया, जिससे ब्रिटेन के उद्योग को संरक्षण मिला। तो दूसरी ओर भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत में आयात होने वाले माल पर कम से कम कर दिए, जिससे आसानी से ब्रिटेन का माल भारत में आ सका। सन 1756 से 1812 तक व्यापारिक पूंजी काल तथा 1813 से 1857 ईस्वी तक का काल मुक्त व्यापार पूंजी को साम्राज्यवाद के काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग दुर्दशा हुई, मतलब उसका पतन हो गया। इसमें 1813 से 1857 के मध्य हस्तशिल्प के विनाश से कृषि पर भारतीय जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। सन 1720 में ब्रिटिश संसद ने ऐसा कानून बनाया जिसके अधीन इंग्लैंड में भारतीय रेशमी तथा सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना किया जाता था। भारत से धन का निष्कासन किस तरह से हुआ? आरंभिक दौर में कंपनी की आय का स्रोत अथवा धन निष्कासन निम्न रूप से हुआ। वह लाभ जो भारत में भू राजस्व से प्राप्त होता था, दूसरा वह लाभ जो भारतीय मंडियों पर एकाधिकार नियंत्रण के फलस्वरूप व्यापार से प्राप्त होता था,
तीसरा था वह बलपूर्वक धन की प्राप्ति जो कंपनी के अफसर भारत से प्राप्त करते थे। फिर चौथा कारण है कंपनी के कर्मचारियों को वेतन के रूप में प्राप्त धन। और पांचवा बना ब्रिटेन की मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं को रेल द्वारा संपूर्ण भारत और उसके गांव तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था द्वारा व्यापार की प्रगति से प्राप्त धन। तो ये सभी धन अंग्रेजों के पास पहुंचने लगे और इन सभी क्रियाओं को धन का निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस सत्य को सर्वप्रथम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित दादा भाई नौरोजी ने उद्घाटित किया। ये टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पीजीटी का शायद क्वेश्चन है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चर्चित जो दादा भाई नौरोजी ने इसका उद्घाटन किया था। सन 1813 के पश्चात धन का निष्कासन निम्न रूप से हुआ, किस तरह से हुआ वो भी देख लेते हैं। सन 1813 के पश्चात जो गृह व्यय के रूप में भारत राज्य सचिव तथा कार्यालय पर व्यय ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश, विदेशों से लिए गए सार्वजनिक ऋण, सैनिक असैनिक व्यय और इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद, विदेशी बैंक, इंश्योरेंस, नौवाहन कंपनियां, तो इसी कारण ये स्टेटमेंट भी दिया गया था आरसी दत्त के द्वारा कि सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा केवल इंग्लैंड में देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे भी ध्यान रखिए। तो ब्रिटिश काल में जो आगे प्रशासनिक नीतियाँ अपनाई गई थी उसके बारे में हम कल बात करेंगे, इतना ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में और जो न्यू व्यूवर हैं उनको मैं दिखा दूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आता है और आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जाएँ नेट GRF PGT TGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी, इस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें और वहाँ पे लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें 72 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, कंप्लीट स्टडी है। और हमने प्राचीन काल से स्टार्ट किया था, मिडविल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री पर चल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।